अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रमजान हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पहुंचे हैं हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह पर आसीरगढ़ में। दोस्तों ये दरगाह आसीरगढ़ में गांव के थोड़ी बाहर ही मौजूद है। अगर आप आना चाहो तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से 22 किलोमीटर दूर आसीरगढ़ में आइए और फिर आसीरगढ़ से गांव के बाहर ही आपको हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह मिलती है। आप यहां आ सकते हो और एक तिराहे से आप राइट टर्न लेके यहाँ आ सकते हो। तो चलिए अब आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह की जियारत कराएंगे और इनके वाकयात से हम आपको वाकिफ कराएंगे। तो आइए चलते हैं आगे। और अगर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने के बाद हमें जंगल के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं और साथ ही साथ यहाँ मौजूद आसीरगढ़ में मौजूद ऐतिहासिक आसीरगढ़ का किला, जो कि सामने यहाँ से काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है, जो कि एक ऐतिहासिक किला बना हुआ है। और ये जो दरगाह है हजरत शाह नुमान शाह साहब की, ये दरगाह भी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ जब आसीरगढ़ में आसीरगढ़ के किले को राजाओं द्वारा बनवाया गया था तो हजरत शाह नुमान शाह साहब की यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था और फिर उन्होंने यहाँ पर इस किले का काम शुरू किया था। तो आज भी ये किला मौजूद है, काफी ऐतिहासिक दृष्टि से इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो आइए चलते हैं हम अब आपको हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह के दरबार में लेकर जाते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों वैसे तो हजरत शाह नुमान शाह और अल्लाह के अनेक वलियों के अनेक किस्से और वाकियात मशहूर हैं, लेकिन मुख्तसर से वाकियात अगर हम बयान करें हजरत शाह नुमान शाह साहब के, तो वो ये है कि कई किस्से कहानियां इनके मशहूर है, लेकिन हम जो बताते हैं वो ये है कि यहाँ पर हजरत शाह नुमान शाह के अतराफ में यहाँ आसपास एक महाराज हुआ करता था, जो कि सोना बनाने की प्रक्रिया में लगातार अपने जीवन को पूरा समर्पित करने में लगा था। लेकिन वो जब 88 वर्ष की उम्र का हुआ तो उसने सोना बनाने की प्रक्रिया को हासिल कर लिया था अपनी ज़िंदगी में। 88 वर्ष उसकी उम्र उस वक्त हो चुकी थी और वो उसका सोना जो वो बना सकता था वो अपने पूरी ज़िंदगी उसने उसी चीज़ में लगा दी थी। वो उसको बनाने के बाद अब उस सोने का उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही अब बस कुछ चंद दिनों की रह गई थी। तो तब उसने एक निर्णय लिया कि यहाँ पर हजरत शाह नुमान शाह साहब तब मौजूद थे। तब उस महाराज ने हजरत शाह नुमान शाह साहब के दरबार में हाज़िरी दी और ये पाया कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, फैज़ पाते हैं। तो उसने यहाँ पर लोगों की तरह हाज़िरी दी और हजरत शाह नुमान शाह साहब की खिदमत में उस सोने को पेश कर दिया जो वो बना सकता था। तो हजरत शाह नुमान शाह साहब ने उस सोने को लिया और फेंक दिया तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी हजरत शाह नुमान शाह साहब बाजू में रखे अपनी तलवार को उठाते हैं और अपनी पेशानी पर इस तरह फेरते हैं और वो देखते हैं कि तलवार सोने की हो जाती है। ये मामला देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो जाता है और महाराज से फरमाते हैं हजरत शाह नुमान शाह साहब कि अगर तू अपनी ज़िंदगी को जिस तरह सोना बनाने की प्रक्रिया में लगा रखा था, उस ज़िंदगी को अगर तू अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह की भक्ति में लीन हो जाता और इबादत में मशगूल हो जाता तो तू खुद पारस हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में इनके और किस्सों से वाकिफ़ कराएंगे। और यहाँ आप हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ आने के बाद एक अलग ही प्रकार का हमको सुकून मिलता है। और यहाँ जो आप देख सकते हो यहाँ कई सारी मज़ारात मौजूद हैं और तारीखी किताबें हमें ये बताती है कि ये जो आसीरगढ़ का ये जो इलाका है, यहाँ एक वक्त में लाखों की बस्ती आबाद थी, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग रहा करते थे। यहाँ आज आसीरगढ़ का किला मौजूद है और यहाँ पे एक छोटी आसीरगढ़ के नाम से बस्ती यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर एक सुनसान वीरान किला जिसे देखने लोग आते रहते हैं और हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह मौजूद है, इसे देखने लोग आते रहते हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद ही हजरत शाह नुमान शाह साहब का उर्स आने वाला है और हजरत शाह नुमान शाह साहब की बारगाह में उर्स के मौके पर कई सारे लोग आते हैं। यहाँ पर कवाली का प्रोग्राम होता है, हजरत शाह नुमान शाह साहब की दरगाह को सजाया जाता है, फूलों की गुंबद पर लाइनें लगाई जाती है,
और लाइटिंग्स लगाई जाती है। और हजरत शाह हनुमान शाह साहब का ये जो मकबरा आप देख रहे हो, ये वाकई में बहुत पुराना मकबरा है और बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। और इसी मकबरे के अंदर हजरत शाह हनुमान शाह साहब की मज़ार जो है तो मौजूद है। और यहाँ आप जो मज़ारे देख रहे हो, ये इन्हीं के जो खिदमतगार थे और उस वक्त के लोग थे, उन्हीं के मज़ारे मौजूद हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।